नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का इंतजार रहता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ से जो सच्चे मन से मांगते हैं उनकी हर मुराद पूरी होती है, इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ को अवहरदानी महादेव कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से मनोकामना जरूर पूरी होती है। आज हम महाशिवरात्रि पर्व के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। इस पर्व का जिक्र गरुड़ पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण के साथ साथ अग्नि पुराण में भी आता है। कहते हैं इस कलिकाल में इस महाशिवरात्रि पर्व को करने से पापों का नाश होता है। कहते हैं कि फाल्गुन मास की चतुर्थी को भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे, इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए भी महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। दो अलग अलग मान्यताएं हैं और लोग इन्हीं दोनों मान्यताओं को मानते हुए महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इस दिन भक्तजन उपवास रख अपने वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। कहते हैं इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों की माने तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा सूर्य के समीप होता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा और सूर्य का मिलन भी होता है। महाशिवरात्रि के दिन आप अपने पास के किसी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, या फिर आप अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ को स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। जब आप पूजा की शुरुआत करें तो कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की पूजा चौथे पहर में करना सबसे शुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि पूजा के दौरान मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए, यह शुद्ध होता है। पूजा के दौरान आप मिट्टी के पात्र में जल को ले जाएं। पूजा के दौरान बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, चावल आदि के साथ शिवलिंग की पूजा करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ सुनना खूब फायदेमंद होता है। पूजा के दौरान आपको उत्तर और पूर्व की दिशा में आरती करना चाहिए। कहते हैं इस दिन बेलपत्र, जौ, तिल, खीर का हवन करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में आइए जान लेते हैं पूजा के दौरान किन किन बातों का खास ध्यान रखें। पूजा के दौरान हमेशा पूर्व और उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। जब आप पूजा के दौरान संकल्प ले रहे हों तो उस समय इस दिशा का खास ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ की पूजा के समय तिल का उपयोग नहीं होना चाहिए। पूजा के दौरान आप चंपा के फूल का इस्तेमाल न करें। इस दिन आप शंख का भी इस्तेमाल न करें। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस दिन आप कुमकुम और रोली का इस्तेमाल भूल कर भी न करें। यह भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ नारियल पानी से भगवान का अभिषेक भी नहीं करें। भगवान शिव की पूजा में दुर्वा यानी कि दुभी जिसे हम कहते हैं, तुलसी दल चढ़ाया जाता है। तुलसी के मंजिरा यानी कि जो उसका फूल है और उसका जो ऊपर का हिस्सा जो सूख गया है उसे हम मंजिरा कहते हैं। मंजिरा में भगवान की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ को भांग का भोग जरूर लगाएं। पूजा के दौरान धतूरा और भांग भगवान भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चीज़ों में से एक है। आइए अब जान लेते हैं पूजा का समय। कहा जाता है कि सूर्य अस्त के बाद से भगवान शिव की पूजा शुरू हो जाती है, जिसमें यह भी कहा गया है कि चौथे पहर में की गई पूजा सबसे अच्छी मानी जाती है। इस बार महाशिवरात्रि की पूजा 1 मार्च को है और यह शाम को 6:21 से इनकी पूजा जो है वह शुरू हो जाएगी, और यह जो है सुबह के 6:45 तक जो है आप पूजा कर सकते हैं। 2 मार्च का दिन और इस दिन जो है सुबह के 6:46 से जो है आपका पारण का समय होगा। तो ऐसे में 1 मार्च को शाम के 6:45 से सुबह के 6:45 तक आप जो है महाशिवरात्रि का पर्व कर सकते हैं, और 2 मार्च को जो है 6:46 से आप पारण करें और भगवान भोलेनाथ को मनाएं ताकि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।